हेलो व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। और हमारे क्रिएटिन के 30 डेज का वीडियो आ गया, तो जिसको भी 30 डेज के बारे में जानना है मेरा पूरा प्रोसेस, तो यू कैन गो एंड वॉच द वीडियो, आई थिंक मैं आई बॉल में डाल दूंगा। और हाँ, तो अब से क्या करने वाले हैं, तो मैंने कुछ वीडियोस में बोला था कि हम लोग ने ट्रिप प्लान की है, कहाँ जाने वाले हैं वो अभी नहीं, उधर जाके ही बताऊँगा, बट 22 डेज टू गो इस ट्रिप के लिए। तो हाँ, तो ट्रिप के लिए कुछ बॉडी अच्छी करने का सोच रहा था, बट क्या है कि 3 महीने में बॉडी नहीं बनती, ये सबका ही कहना है, नहीं है ही यही चीज़ है, तुमको डालना पड़ेगा 1 साल 2 साल 6 साल तो बहुत सही बॉडी बनेगी। तो 3 महीने का प्रोसेस तो यही है प्रोग्रेस, तो ट्राई करूँगा थोड़ा हार्ड जाने का और थोड़ा अच्छा लुक दिखने का बॉडी का, क्योंकि मेरा पूरा आगे का पोर्शन ना बॉडी का अभी भी इतना जो शेप मेरे को चाहिए ना वैसा आया नहीं, और बैक भी ठीक ठाक है मेरी, तो बस हाँ मैं ट्राई करूँगा। पर जब जब मैं ट्राई कर रहा हूँ ना, तब तब ये शोल्डर, क्योंकि आई थिंक 9 दिन हो गए वो मेरा उसको ख़त्म होते हुए, मेरे मतलब जो मेरा क्रिकेट का गेम था ना वो ख़त्म होते हुए 9 दिन हो गए, तो 9 दिन के बाद भी ये पेन नहीं जा रहा, और मैं हार्डर पुश कर रहा था क्योंकि क्रिएटिन का चल रहा था ना मेरा। तो आज से मैंने सोचा है कि नहीं, आज से ये शोल्डर को रेस्ट देंगे, आज पुश डे है, चेस्ट है, शोल्डर तो बीच में आएगा ही, पर थोड़ा कम रखूँगा, ट्राई करूँगा, और शोल्डर की एक्सरसाइज बिल्कुल कम कर देंगे, नहीं करेंगे। और एक सिंपल चीज़ है कि मैं शोल्डर को जितना पेन दे रहूँगा ना, उतना मेरा रेप्स कम होते रहेंगे, क्योंकि जो वेट मैं 1 हफ्ते में पुश करना होता है वो 2 हफ्ते लगेंगे जो शोल्डर को ऐसे ही पेन देता रहा। इससे अच्छा है ये पूरा हफ्ता शोल्डर को रेस्ट दे देता हूँ, और फिर नेक्स्ट टाइम से विल पुश, एकदम हार्डर पुश करेंगे, इसको सीख करना ही पड़ेगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि मेरे को पुश करना है और ये मेरे को बहुत बैक ऑफ करना है। एट दी एंड अगर इसमें ज़्यादा पुश करने की वजह से इंजरी हो गई तो 1 महीने का मेरे को रेस्ट हो जाएगा, 1 महीने ज़्यादा भी हो सकता है पूरी फिजिक की जी, इससे अच्छा है 1 हफ्ता इसको रेस्ट दे दो। ये सब चीज़ ना उस डंबल ओवरहेड प्रेस की वजह से हुई है, सब मैं नहीं ज़्यादा लेता नहीं पीछे आता, 1 दिन में ख़त्म हो जाता, बट उस टाइम चलती है ना, बट अब थोड़ा माइंड सेट लगाएंगे, नहीं करेंगे कुछ शोल्डर का आज, बस चेस्ट और ट्राइसेप ख़त्म। ऐसा हो तो ये पूरा महीना नहीं करूँगा, ये पूरा हफ्ता, और लास्ट स्टेप पे पूरा शोल्डर के लिए एक वर्कआउट कर दूँगा, तो शोल्डर आ जाएगी 1 दिन। ओके, वी आर वार्म्ड अप, अब वार्म अप सेट के लिए जाएंगे, और उसके बाद बस आज खाली चेस्ट के लिए ऐसा करूँगा, 3 चेस्ट के सेट मारूँगा, फिर पुशअप मारूँगा ज़्यादा स्ट्रेन करने के लिए चेस्ट को, शोल्डर छोड़ दो आज। तो मेरा नोट मेरे को बता रहा है कि नेक्स्ट टाइम 75 पे 10 10 10 मिलेंगे, वी आर ग्रेजुएट फॉर 80 kg। तो वार्म अप सेट हो गया है, पुश फॉर 80, नेक्स्ट तो 8 10 में रेंज में जाने का ट्राई करूँगा।
हमारा सांडू सांड आ गया है भाई मत दे मुगा आई जैसे देखा तो नहीं खुश हो रहा है किस है किसी का फोटो देख के खुश हो रहा था मैं बीजू देखू तू मैं तो देखा ओए हेलो आज आ मोटे लेग्स सिलेक्ट कर चर्बी वाले जो लन मेरा नेक्स्ट फ्लेक्स कर रहा है देखो खड़े हो गए बस भाई बहुत हो गया चलो ले देखा ले खा ले ओके नाइस प्रोसेस 10 9 एंड हाफ मिला 9 वाला पूरा नहीं जा पाया बट पंप इज गुड फॉर आज यहाँ पे करूँगा स्विच मशीन पे चेस्ट प्रेस बेंच प्रेस क्योंकि थोड़ा मेरे को फील होता है उधर मैं कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ इधर कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं एंड फुल इंटेंसिटी का वर्कआउट करेंगे स्लाइस करने से पहले से मैं कुछ वोच भी करता था बट वोच भी नहीं है आज तो एक तो शोल्डर को करेंगे रेड हल्स के लिए तो फेसबुक करने वाला हूँ स्कल क्रशर रिकॉर्ड नहीं किया डंबल स्कल क्रशर मारे थे 7.5 के जी से डस्ट रैप गए थे अच्छा गया था वो स्कल क्रशर खाली वॉर्म के लिए रहता हूँ इजी बार से ज़्यादा अच्छा रहता है नहीं बन डंबल से भी बहुत अच्छा रहा तो स्कल क्रशर दोनों कर सकते हो नाउ विल गो फॉर रोप एक्सटेंशन पुश डाउन्स ट्राइसेप के लिए एंड इट्स ओवर लेट्स गो दैट्स इट फॉर द डे गाइस और ये हफ्ता पूरा रिकवरी हफ्ता रहेगा तो ट्राई करूँगा बट आज हसीन चेस फिस में 10-10-9 मिले तो वी आर गोइंग गुड और हाँ हर एक्सरसाइज बहुत सही गई है शोल्डर की तो की नहीं अच्छा हुआ नहीं की क्योंकि थोड़ा चेस में भी शोल्डर का इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो खुद ही ट्रेन हो जाएंगे ये ट्रेन का बट ठीक है तो यस That's for the ball guys. Mitra next video mein keep calm, talk less, do more.